हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीआरओ ने वैकेंसी निकाली है। व्हीकल मैकेनिक की 293 वैकेंसी है। अगर आपने भी अप्लाई किया है तो ये वीडियो को पूरा देखना। इसमें हम टेट टेट थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन और क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे, जो एमसीक्यूज या आपसे सब्जेक्टिव भी हो सकता है पेपर या ऑब्जेक्टिव भी पेपर होगा, तो इसके रिलेटेड हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया है इसके अंदर, वीडियो के अंदर। तो हम चार पांच वीडियो आएगी इसकी, क्योंकि चार पांच टॉपिक है इसके कवर करेंगे। चार पांच टॉपिक को हम कवर कर लेंगे वीडियोज़ में। तो आज का पहला टॉपिक टॉपिक होगा इसका क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल इंजन। पहला है कि व्हीकल के क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किस पे बेस्ड होता है। पहला है कि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके बेस्ड कौन कौन से हैं। मोटरसाइकिल है, थ्री व्हीलर है, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। और दूसरा है कि व्हील्स पे, मतलब संख्या पर, व्हील्स की जो संख्या होती है टायरों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो टू व्हील, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर और एट व्हीलर भी हो सकते हैं। और बेस्ड ऑन फ्यूल, पेट्रोल, पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल और गैस व्हीकल। गैस व्हीकल में सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, सीएनजी का मतलब, और एलपीजी का मतलब है लिक्विडफाइड पेट्रोल गैस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आजकल जो टाटा टिगोर, मतलब उस वेरियंट, नए नए वेरियंट निकाल रहे हैं इसके अंदर। टाटा टिगोर भी है इसके अंदर, उसका भी नया वेरियंट अभी लॉन्च हुआ है। और बेस्ड ऑन बॉडी, सैलून, बीएमडब्ल्यू, ऑडी है, और सिडान, मारुति सियाज और एमस्टर है। और हैचबैक के अंदर अल्टो आती है, i10 आती है, सेंट्रो आती है, टाटा टिगोर आती है। कन्वर्टेबल के अंदर जीप, मारुति आती है। वैन के अंदर ओमनी और टूरिस्टर। और बेस्ड ऑन ड्राइवर, ड्राइव के अंदर बेस्ट ऑन ड्राइव, फ्रंट इंजन, रेयर व्हील ड्राइव, मतलब इंजन तो फ्रंट के अंदर है, उसका जो जो ड्राइव ड्राइव हो रहा है वो पीछे वाला व्हील है ना, वो रेयर व्हील है, वो ड्राइव हो रहा है, इसका टायर पीछे वाले ड्राइव हो रहे हैं। और फिर दोबारा नेक्स्ट है हमारे पास रेयर इंजन, रेयर व्हील ड्राइव, मतलब इंजन भी पीछे है और उसका जो ड्राइव, जो घूम रहे हैं चक्के घूमते हैं ना, टायर घूमते हैं, तो पीछे वाले घूम रहे हैं इसके अंदर। टाटा नैनो, बजाज ऑटो और वोल्वो बस के अंदर पीछे वाले टायर है वो ड्राइव होते हैं। फिर आता है कि फोर व्हीलर, फोर व्हील, ऑल फोर व्हील ड्राइव, मतलब जो 4x4 गाड़ियाँ होती है, जीप और जो आर्मी की गाड़ियाँ होती है, वो 4x4, मतलब फोर व्हील, चारों चक्के होते हैं उसके, वो वर्क करते हैं, वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इंजन भी उनका आगे होता है, शायद इंजन फ्रंट में होता है। और फिर आता है कि फ्रंट इंजन, फोर व्हील ड्राइव, अल्टो गाड़ी है, उसके अंदर आगे वाले व्हील है वो चलते हैं, वो ड्राइव करते हैं। अर्टिगा, एसेंट्रो है, टाटा टिगोर है। फिर आता है हमारे पास कि बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ इंजन, फ्रंट के अंदर होगा, बैक बैक साइड में होगा। फिर आता है कि बेस्ड ऑन स्टेयरिंग, स्टेयरिंग के बेस्ड ऑन स्टेयरिंग, और मैनुअल स्टेयरिंग भी आता है, फिर पावर स्टेयरिंग भी आता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है। फिर बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन, आजकल गाड़ी आती है ऑटो ट्रांसमिशन पे आती है और मैनुअल भी चलती है, मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें बेसिक्स है, ये कुछ नहीं, इसमें ये बेसिक्स है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, आप इमेज भी देख लेते हैं कि रेडिएटर आगे होता है, फैन, उसके बाद में फैन बेल्ट होता है, फैन फैन लगे होते हैं उसमें, इंजन लगा होता है, फ्रंट एक्सल होता है यहाँ पे, क्लच गेयर बॉक्स भी हो गया, और प्रोपेलर शाफ्ट भी होगी, जिससे क्या होगी इंजन का जो पावर है, जो एक्स फ्रंट के अंदर है, वो बैक्स रेयर एक्सल को भी प्रोवाइड करता है प्रोपेलर शाफ्ट, और फिर बाद में रेयर एक्सल भी है पीछे, ठीक है। और यहाँ पे ये बेसिक कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके अंदर आता है हमारे पास चेसिस। चेसिस का मेन काम क्या है कि जो पूरे असेंबली है उसको सपोर्ट करना, ठीक है। अगर बॉडी, मतलब कोई भी कार या व्हीकल या ट्रक कुछ भी, कोई भी हो, तो उसके सारे पार्ट्स को अगर निकाल दिया जाए तो शेष जो भाग रहेगा वो चेसिस ही रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बनी किसकी होती है, ये स्टील ट्यूब की बनी होती है, इसके अंदर स्टील की ट्यूब भी होती है और माइल्ड स्टील और गार्डर, जो हमने घरों में देखी गार्डर, वैसी स्ट्रांग होती है ये, ठीक है, क्योंकि हैवी हैवी लोड ये इस्तेमाल करते हैं ना ट्रक के अंदर, तो इसके अंदर बहुत हार्ड बनाया जाता है इसको, चेसिस को। तो इसका चेसिस के अंदर क्या आता है, चेसिस के अंदर होता है चेसिस फ्रेम, और इसका चेसिस का मेन यूनिट कौन सी होती है, चेसिस फ्रेम होती है, जो गार्टर बनी होती है ना जो, ठीक है। और चेसिस का काम क्या होता है, सभी यूनिट को सपोर्ट करना, ठीक है। और इसके टाइप्स होते हैं, तीन टाइप की होती है चेसिस, और पहले होती है सेमी फॉरवर्ड। सेमी फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है कि जो इंजन आधा बाहर होता है और आधा अंदर होता है, ठीक है। और एक फिर आते कि फुल फॉरवर्ड कंट्रोल, फुल फॉरवर्ड कंट्रोल के अंदर जो इंजन होता है वो पूरा मतलब अंदर की ओर होता है, पूरा अंदर की ओर होता है, मतलब ट्रक, आजकल जो ट्रक चलते हैं ना उसके अंदर कहते हैं कि इंजन के ऊपर का भाग होता है वो कैबिनेट होता है, ठीक है। और तीसरा है कन्वेंशन, कन्वेंशन के अंदर क्या होता है, कन्वेंशन के अंदर जो इंजन होता है वो आगे होता है,
आगे की साइड होता है, जो अपने कारें होती हैं नॉर्मल, और जितने भी कारें और आदि होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंजन आगे की तरफ होता है और कैबिनेट पीछे की तरफ होता है। और जो बस होती है और आर्मी ट्रक होते हैं, जितने भी आजकल जो ट्रक चल रहे हैं, जो उसके अंदर क्या है, फुल फॉरवर्ड कंट्रोल है। उसके अंदर क्या है कि इंजन के ऊपर ही कैबिनेट होते हैं। और जो आर्मी के ट्रक, जो बीआरओ के अंदर जो ट्रक होंगे ना, वो सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल के होंगे, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल वाले ट्रक होंगे। उसके अंदर क्या होगा कि इंजन है वो अंदर नहीं होगा, वो आधा बाहर होगा, ठीक है। वैसे बाहर ही होगा मेरे ख्याल से, तो बाहर ही होता है क्योंकि उसको दिखाया, गियर बॉक्स अंदर होगा, वो सब तो अंदर होते हैं, और इंजन होगा वो बाहर होगा, ठीक है। वो कन्वर्टेबल कन्वेक्शनल हो सकता है, कन्वेक्शनल कंट्रोल हो सकते हैं, वो देख लेना, आप चेक कर लेना, शायद तक यही होगा। फिर आता है कि हमारे पास इसके अंदर, हम इसके नाम याद कर लेते हैं, रेडिएटर तो आपको पता ही, वो तो इंजन के मैं वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आपको फुल्ली आपको दिखाऊंगा पार्ट्स के, एक एक पार्ट्स को बारीकी से दिखाया जाएगा उस वीडियो में, ठीक है। रेडिएटर आगे होता है जो कूलिंग का काम करता है ना, इंजन की जो हीटिंग हीट होता है इंजन, तो उसको कूलिंग का काम करता है। आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इसके बारे में। इंजन कैबिनेट के नीचे इंजन है, ये बॉडी कौन सी है, फुल फॉरवर्ड कंट्रोल वाली बॉडी है, ठीक है। इंजन आ गया, इसमें स्टेयरिंग व्हील आ गया, गेयर बॉक्स आ गए, और यूनिवर्सल जॉइंट हो गया जो प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ता है ना ये, और स्लिप जॉइंट यहाँ पे ये जॉइंट आ गया, इसको सपोर्ट कर रहा है ये, और फ्रेम, ये तो पूरा फ्रेम है ही, और यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है इधर साइड में, फ्रेम प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुई है, प्रोपेलर शाफ्ट ये बता दिया आपको, रियर एक्सल ये हो ही गया, रियर एक्सल, लीफ स्प्रिंग। आगे चलेंगे तो आगे आएगा कि जो हैवी व्हीकल होते हैं, जो लोड उठाने वाले, उनके अंदर लीफ स्प्रिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और व्हील टायर्स होएंगे, और फिर चेसिस तो पढ़ लिया हमने, तीन टाइप की होती है। फिर आता है एक्सल, एक्सल दो टाइप के होते हैं, वैसे तो दो ही टाइप के, नॉर्मल दो टाइप के होते हैं, फ्रंट एक्सल होता है, एक रेयर एक्सल होता है, ठीक है। और जैसे कि फ्रंट एक्सल होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, वो क्या करता है कि डिलीवर वो करता है पावर को, जो ड्राइविंग व्हील होते हैं ना, जो फ्रंट के जो व्हील होते हैं, डिलीवर करते हैं उनको पावर को, और साथ में वो कैरी करता है लोड को भी, कैरी करता है साथ में, ठीक है। जो व्हीकल का लोड है पूरा, उसको भी कैरी करता है, और साथ में वो पावर को डिलीवर करता है टू ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है। और इसके अंदर साथ में ये क्या करता है कि इसके साथ में क्या, जो फ्रंट एक्सल होता है वो आगे का भार सहन करने करके पावर ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। और किसको करता है पावर ट्रांसमिशन, ड्राइविंग व्हील्स को, ठीक है। प्लस में ये स्टेयरिंग इसके जुड़ा होता है, स्टेयरिंग जो सिस्टम होता है, स्टेयरिंग सिस्टम होता है वो फ्रंट एक्सल से जुड़ा होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे, ये फ्रंट एक्सल का है डायग्राम, तो पहला अब देखते हैं इसके अंदर रेयर एक्सल है। रेयर एक्सल के अंदर क्या लगा होता है, रेयर एक्सल में बेयरिंग है, जो वो अपने पहले डायग्राम देखा था ना यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यहाँ से ये स्लिप जॉइंट है, स्लिप जॉइंट से आगे प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, इसके आगे यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, उसके अंदर ये यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पे लग गया, फिर बेयरिंग आ गया, बेयरिंग क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है यहाँ पे, ये वो बीच वाला आ गया ना, और पिनियन शाफ्ट, पिनियन ये शाफ्ट पिनियन, और पिनियन लगा के एक्सल में, देखो एक्सल में क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मान लो कि कोई एक्सल में प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें लाउड जर्क, मतलब एक लाउड जर्क आएगा, मतलब आवाज़ आएगी एक तरह से, कि वैन कब आएगी, जब हम गियर में वैन को गियर में करेंगे ना, गियर में करेंगे तो हमें लाउडनेस वाली आवाज़ आएगी, न्यूट्रल में नहीं आएगा, जब हम गियर में करेंगे तो उसके अंदर आवाज़ आएगी, या फिर हम फील करेंगे वाइब्रेशन को, फील करेंगे जब हम कार को चला रहे होंगे या व्हीकल को चला रहे होंगे, तो हमें ज़्यादा वाइब्रेशन होगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है एक्सल के अंदर। और तीसरी है कि जब हम गाड़ी को चलाएंगे, वो आगे भी नहीं जा रही, पीछे भी नहीं जा रही, दोनों साइड कहीं मतलब फ्री हो चुका है वहाँ से, तो एक्सल के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और एक और शाफ्ट होती है, वो 3.5 टाइम टर्न लेती है, 3.55 टर्न लेती है ईच टाइम, जब व्हील एक बार घूमेगा तो ड्राइव शाफ्ट होती है वो 3.55 टाइम घूमती है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जैसे देखते, इसमें देखते हैं हम, जैसे ट्रक के नीचे ये लगा हुआ है लीफ स्प्रिंग, लगा हुआ है लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो झटके जर्क मतलब झटके आते हैं, या फिर कोई स्मूथ रोड स्मूथ ना हो, तो उसमें क्या होता है कि ये कैरी के मतलब संभाल लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है सस्पेंशन इसके अंदर, तो ये हैवी व्हीकल के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। और जो देखा होगा हमने कि जो
लाइट मोटर व्हीकल होते हैं या फिर कोई और व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, हाइड्रोलिक स्प्रिंग लगे होते हैं, एब्जॉर्बर लगे होते हैं, जो क्या है कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी प्रकार जो हैवी व्हीकल होते हैं उसमें लीफ सस्पेंशन का प्रयोग, लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा बचपन में, कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन लकड़ी का जो गट्ठा होता है, लकड़ी का गट्ठा मतलब तीन चार लकड़ियों को इकट्ठा करके उनको तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगी। उसी प्रकार इसमें होता है लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें सेंटर में बोल्ट होता है और रिबोन क्लिप लगाई जाती है इसके अंदर कि वो अलग अलग नावें रिबोन क्लिप लगा दी और इसको सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करता है, इसके ऊपर बेस होता है ये ऊपर ऊपर का सस्पेंशन। देखिए ये देखिए एक्सल हो गया, एक्सल के ऊपर लगा हुआ है ये यू बोल्ट लगा हुआ है इसके अंदर और ऊपर जो क्या हो कि फ्रेम लगा हुआ है उसके ऊपर लीफ स्प्रिंग के, ठीक है। ये हमें जब बीआरओ के अंदर जब ट्रेनिंग स्किल टेस्ट लेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगा, नाम पूछेंगे ये लीफ स्प्रिंग है, सस्पेंशन है, ये शॉक को अब्जॉर्ब करता है हैवी व्हीकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ये यूज़ ऑफ होइस्ट एंड जैक एंड स्टैंड, ठीक है। जब भी गाड़ी अगर सर्विस मतलब सर्विस के लिए जाएगी, गैराज में जाएगी, तो उसके नीचे का जो देखने के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। ऊपर किसकी सहायता से उठाएंगे, ऊपर सहायता से उठाएंगे या तो हम हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से, जैक की सहायता या होस्ट की सहायता से। होस्ट क्या होता है, एक प्रकार का जो मतलब होस्ट क्या होता है, होस्ट एक तरह की लिफ्ट होती है, एलिवेट होता है एक तरह से, एलिवेट करते हैं हम इसके अंदर होस्ट के द्वारा एलिवेट करते हैं, ठीक है। और पहला है हमारे पास है सिंगल पोस्ट हाइड्रोलिक कार होस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं कि पॉइंट है, सिंगल पॉइंट ही होता है इसके अंदर, एक पॉइंट पे हाइड्रोलिक जो होता है, हाइड्रोलिक पोल होता है, उसकी सहायता से गाड़ी को उठाया जाता है, हाइड्रोलिक कार होस्ट है, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। फिर आता है टू पॉइंट कार होस्ट, ये नेक्स्ट नीचे वाला है वो टू पोस्ट कार होस्ट है, ठीक है। आगे से जो फ्रंट के व्हील होते हैं उनको उठाने के लिए काम लिया जाता है, इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फोर पोस्ट कार होस्ट, ठीक है। नीचे सबसे नीचे वाला फिगर तीसरा है वो फोर पोस्ट कार होस्ट है। इसके अंदर क्या हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, एक लिमिट तक उठाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर नीचे वाला आता है इंजन होस्ट। इंजन होस्ट में क्या होता है, इंजन होता है, गाड़ी का इंजन होता है वो बहुत भारी होता है, मैन पावर के द्वारा हम नहीं उठा सकते उसको, तो उसके लिए क्या करता है कि होस्ट, इंजन होस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा हम इंजन को गाड़ी से बाहर निकालते, जो गाड़ी का इंजन है या कोई भी इंजन है तो उसको बाहर निकालते हैं, किसकी सहायता से, इंजन होस्ट के द्वारा। फिर आता है जैक। जैक का हम हाइड्रोलिक जैक होता है वो, जैक का तो नॉर्मली कार, छोटे मोटी कारें होते हैं, जो अल्टो होगी या कोई और कार होगी, तो उसके लिए हम जैक का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक होता है। और स्टैंड के लिए हम चूड़ीदार स्टैंड होते हैं तो फ्लैट फ्लोर जैक भी होता है इसके अंदर, हाइड्रोलिक जैक भी होता है, और हैवी ड्यूटी बोतल वाला टाइप होता है जिसमें हाइड्रोलिक होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर आपको अच्छे से समझाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देख लो आप कि इंजन होस्ट किस टाइप का होता है। इंजन होस्ट इस टाइप का होता है, जैसे इंजन निकाला जाता है ना गाड़ी से, वो इस तरह का होता है। वहाँ पे अगर मान लो कि बीआरओ के अंदर स्किल टेस्ट होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि किस टाइप का जो होस्ट है, किस प्रकार का ये, इसका नाम क्या है, ये इंजन होस्ट है, ये इसका काम क्या होता है। फिर आता है कि एक्सल स्टैंड इस प्रकार का होता है। फिर बाद में आता है कि एक मैकेनिकल जैक, ये तो आपने देखा ही होगा गाड़ियों के अंदर, मैकेनिक गैरेज में देखा ही होगा, ये मैकेनिक, ये हाइड्रोलिक प्रेस से होता है, इसको जब ऊपर नीचे करते हैं तो वो ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टू पोस्ट होइस्ट, इस प्रकार का होता है ये। फिर आता है हमारे पास फोर पोस्ट होइस्ट, या मतलब हैवी व्हीकल्स भी होते हैं उसके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। फिर आया हाइड्रोलिक जैक, इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें ये कंडीशन होती है कि इसको स्मूथ सरफेस पे ही लगाया जाता है, हाइड्रोलिक जैक और इनको। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये देख लो, ये बेयरिंग है हमारे पास, इस टाइप का बेयरिंग होता है ये, बेसिक से आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का बेयरिंग होता है, इस टाइप का ये इसमें करा जाता है, ग्रीस लगाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर साइड के अंदर देखते हैं हम कि दोष और उसके उपचार, मतलब वाहन से आवाज़ आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, मतलब उसकी बेल्ट से आवाज़ आ रही है या कहीं से आवाज़ आ रही है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर लुब्रिकेशन करो, उसकी बेल्ट या व्हील के अंदर लुब्रिकेशन करो जहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि वाहन में स्नेहक की कमी, मतलब लुब्रिकेशन की कमी हो चुकी है लुब्रिकेशन के अंदर, तो अच्छी गुणवत्ता वाला लुब्रिकेशन यूज़ करो,
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, आता है इंजन की गति कम होना। इंजन की गति कम हो गई है तो उसमें चेक करो कि किस वजह से कम हुई है, तो ईंधन की आपूर्ति ठीक प्रकार से हो रही है नहीं हो रही वो चेक करेंगे, ठीक है। वाहन का वाइब्रेशन करना, वाहन का वाइब्रेशन करना मतलब अधिक लोड है किस वजह से होता है, कि लोड अधिक है हमारे पास, कैरी लोड अधिक कर रहे हैं या फिर कुछ और वजह हो सकती है इसके अंदर, उसके उचित मतलब हमें एक लिमिट में ही चलाना चाहिए गाड़ी को, ऐसे नहीं कि वो भगा रहे हैं हैवी व्हीकल। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कौन सा है, वाहनों को वाहनों में तुरंत मरम्मत की आवश्यकता का महसूस होना, मतलब तुरंत तुरंत आवश्यकता कब होती है वाहनों को मरम्मत की, जब वाहन के अंदर वाहन के मुख्य बेयरिंग से आवाज़ आना, वाहन से मुख्य मतलब कहीं लंबी दूरी की यात्रा करनी है आपको, वाहन के मुख्य बेयरिंग से आवाज़ आ रही है तो आपको वो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और नए बेयरिंग का उपयोग करना चाहिए उसके अंदर, नए बेयरिंग का उपयोग करेंगे। और इसका समाधान यही है, इंजन के ईंधन की आपूर्ति में व्यवधान होना, तो फ्यूल लाइन को साफ़ करना, उसको चेक करना भाई क्यों नहीं हो रही इसके अंदर, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर को चेक करना चाहिए इसके अंदर, वाहन का रुक रुक कर चलना मतलब झटके लगना, वाहन के झटके लग के चल रही है तो इसमें ईंधन की आपूर्ति मतलब नहीं हो रही है ढंग से, तो वाहन का झटके देना, ईंधन में इंजन में प्रवचन इग्निशन टाइमिंग को व्यवस्थित रखना, मतलब वो ये है कि ईंधन की प्रणाली को सही करना, उसमें ईंधन सही तरह से नहीं जा रहा है, इंजन का स्टार्ट ना होना, इंजन स्टार्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि पहले जांच करना चाहिए कि ईंधन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंजन के अंदर ईंधन क्यों नहीं जा रहा। फिर बैटरी के अंदर अगर बैटरी में प्रॉब्लम है कि बैटरी चार्ज नहीं है तो उसके लिए भी देखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं नेक्स्ट, चलिए कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। निम्न में से पेट्रोल आधारित इंजन नहीं है, कार, स्कूटर, थ्री व्हीलर और बस। इसके अंदर तो बस भी हो सकता है और थ्री व्हीलर, क्योंकि थ्री व्हीलर डीजल इंजन से ही, डीजल इंजन भी लगा होता है उसमें कई जगह, कहीं देखा होगा मैंने भी देखे हैं डीजल इंजन से भी होते हैं, और बस में इनमें कन्फ्यूजन है, सी और डी दोनों में से कोई एक, दोनों हो सकते हैं शायद तक, और इसमें मिस्टेक हुई हुई शायद तक। निम्न में से पहिया प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहिए का प्रकार है, तारो वाला पहिया, प्रेस्ड स्टील व्हील, डिस्क व्हील, यह मतलब व्हील वाले ही हैं ये सभी होंगे, और दो दरवाजा लगी और पीछे सामान रखने में सक्षम कार इनमें से क्या कहलाती है, सैलून, ठीक है, सैलून कहलाती है वो कार। फिर आते हैं इनमें से कौन सी कंपनी कोमेंट वाली कोमेंट बसों का निर्माण करती है, अशोका लीलैंड। फिर आता है हमारे पास कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को क्या करने में रखता है, कार्यकारी तापमान पर, थर्मोस्टेट का उद्देश्य यही है कार्यकारी तापमान पर बनाए रखता है उसको। फिर आता है सामान्य हाइड्रोलिक जैक में कितने वॉल्व प्रयुक्त किए जाते हैं, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाहनों की बैटरी चार्ज की जाती है डायनो से, अल्टरनेटर लगा होता है ना उसमें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वाहन और वाहन अथवा भार को उठाने में प्रयुक्त किए जाते हैं जैक, होइस्ट, ये सभी, तो ये सभी होगा ना, स्टैंड भी होता है इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक प्रेस में डैश को शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इलेक्ट्रिकल लीवर, हाइड्रोलिक प्रेस में तो मैकेनिकल ही होगा ना, मैकेनिकल है इसके अंदर, मैकेनिकल लीवरेज का यूज़ किया जाता है उसमें। टाटा नैनो में प्रयुक्त इंजन की व्यवस्था है, मतलब पीछे की साइड में होता है रेयर इंजन स्थिति, टाटा नैनो में तो रेयर ही है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से इंजन के स्टार्ट न होने का कारण क्या है, ऑयल फिल्टर का ब्लॉक होना, ऑयल फिल्टर का ब्लॉक होना, और ऑयल पंप में गियर खराब होना, ऑयल पंप के गियर खराब होना, फ्यूल डिलीवरी पाइप का ब्लॉकेज, मतलब अगर ऑयल फिल्टर अगर ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें कुछ तो फ्यूल रहेगा ही ना, ये भी है, और कुछ तो फ्यूल रहेगा इसके अंदर आता है फ्यूल डिलीवरी पाइप का ब्लॉक होना। वैसे तो यार ऑयल फिल्टर ब्लॉक होगा तो उसके अंदर भी तो कुछ फिल्टर ब्लॉक होगा उसका, हाँ ये तो है, उसके भी वो भी ऑप्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये देखो ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया, सब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर रेयर एक्सल वाहन के पीछे भार को सहन करके में सहायक करता है, पावर ट्रांसमिशन में सहायकता करता है, वो हमने पढ़ा भी था उसके अंदर। फिर आता है कि सड़क मार्गों के गड्ढों से लगने वाले झटकों गाड़ी के पुर्जे तक पहुंचने से रोकने के लिए कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी पढ़ा था हमने, सस्पेंशन प्रणाली।
उसमें लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया था ना, ट्रक के अंदर लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि इंजन को वाहन का क्या कहलाता, क्या कहा जाता है, पावर हाउस, पावर हाउस ही कहते हैं ना। और जैसे कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वाहन की बॉडी की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। वाहन को शक्ति से चलाने के लिए, उसमें पावर से चलाने के लिए उसमें लगाया जाता है, इंजन लगाएंगे तभी तो वो पावर से चलेगा। चलिए इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम आईसी इंजन और सीआई इंजन, आईसी इंजन कंप्रेस्ड इंजन और सीआई इंजन एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन वाला वो भी करेंगे, पेट्रोल डीजल इंजन दोनों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। इस स्लाइड में देखो एक थ्योरी दी हुई है, बेसिक सी थ्योरी दी गई है, जो मोस्ट मोस्ट पॉइंट है वो दिए गए हैं इसमें, ठीक है। मोस्ट पॉइंट इसमें तो पहले दूसरे तो ये काम के नहीं है, ट्रक ट्रक भारत में वस्तुओं के परिवर्तन परिवहन के लिए उपयोग में किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रक का उपयोग भारी वस्तुओं के लिए तो आपको पता ही है, ऐसी भारी वाहन जो रक्षा क्षेत्र में काम करते हैं उसमें रक्षा वाहन कहलाते हैं, ठीक है। रक्षा वाहन द्वारा विविध कार्यों के लिए योग्य वाहन भारी वाहनों का ही चयन किया जाता है, ठीक है। मतलब बीआरओ में तो भारी वाहन ही होंगे ना, तो रक्षा सेवाओं के लिए बनाए गए जाने वाले फोर व्हील ड्राइव वाले होते हैं, मतलब 4x4 वाले होते हैं, चारों व्हील उनके ड्राइव होते हैं। और बस से भारत में परिवहन का मुख्य संसाधन है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गंतव्य के लिए सेवा प्रदान करता है। किसी मोटर वाहन की बॉडी को यदि अलग कर दिया जाए तो शेष भाग को चेसिस बोलते हैं, ये तो आपको पहले ही बता दिया ना। चेसिस फ्रेम का मुख्य कार्य यात्रियों का सामान एवं भार तथा वाहन की सभी यूनिट्स को सपोर्ट करना, मतलब जो इंजन को सपोर्ट करता है वो चेसिस फ्रेम भी होता है। चेसिस फ्रेम स्टील का बना होता है, स्टील हो गया, लोहा हो गया, और गाटर, मतलब वो जो गाटर का फॉर्म होता है ना उसके अंदर वैसे वैसे बनाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस में ईंधन इंजन इंजन का आधा भाग ड्राइव कैबिनेट के नीचे होता है और आधा बाहर होता है, फिट होता है, आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, ठीक है। फुल्ली फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस के अंदर क्या है, पूरा कैबिनेट के नीचे होता है, जो ट्रक होते हैं आजकल के, शाफ्ट होती है इसके बीच में, ठीक है। सेंट्रल शाफ्ट किसके बीच में होती है, एक्सल घूर्णन करने वाले पहिए एवं गियरों के मध्य सेंट्रल शाफ्ट होती है। और एक्सल वाहन का वह भाग है जो, मतलब एक्सल वाहन का वह भाग है जिस पर दो मध्य भागों का भार आता है। एक्सल वह भाग है, मतलब फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल होता है, उनके रेयर एक्सल से भी गाड़ी आगे, मतलब जो बॉडी होती है वो पीछे की तौर निकली होती है, ठीक है। और फ्रंट से भी तो आगे की तौर निकली होती है ना, फ्रंट एक्सल से भी, तो उसका दोनों का जो भार है मध्य का होता है, मतलब बीच का होता है उन दोनों का, डिस्ट्रीब्यूट दोनों का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों एक्सल पर। फिर आता है स्टेयरिंग प्रणाली व्हील की घूर्णी गति को फ्रंट व्हील की कोणीय गति में परिवर्तित करती है, ठीक है। स्टेयरिंग व्हील स्टेयरिंग प्रणाली है वो व्हील के घूर्णी गति को फ्रंट व्हील की कोणीय गति में परिवर्तित करती है। समझे नहीं समझे, मैं समझाता हूँ कैसे, कि मान लो आप स्टेयरिंग व्हील को घुमाओगे वो इसकी घूर्णी गति होगी, स्टील व्हील को घुमाना घूर्णी गति है, और स्टेयरिंग को जो प्रणाली है, मतलब सिस्टम है, जो ऐसा सिस्टम है जो फ्रंट उसकी घूर्णी व्हील की घूर्णी गति को फ्रंट व्हील की कोणीय गति, मतलब कोणीय उसके डिग्री पे घूमता है ना, मतलब जो मान लो कि 0 डिग्री पे है तो वो उसको लेफ्ट टर्न लेना होगा तो वो कितने डिग्री पे वो घूमेगा, घूमेगा भी, ठीक है, रोटेट भी करता रहेगा और एंगल पे भी जाएगा एक। और फिर नेक्स्ट आता है कि वाहन की स्टेयरिंग प्रणाली वाहन के फ्रंट एक्सल से संयोजित होता है, ठीक है, ये तो सही है। और पावर स्टेयरिंग प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक दोनों प्रकार की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाहन में सस्पेंशन प्रणाली के समावेश का उद्देश्य सड़क मार्ग पर गड्ढे और उनके झटकों से गाड़ियों के पुर्जों को बचाने के लिए होता है। पैसेंजर गाड़ियों में भी यूज़ करता है कि उस पर, मतलब शॉक अब्जॉर्ब कर लेते हैं सस्पेंशन प्रणाली, और उसमें लीफ, ज़्यादा हैवी व्हीकल होता है उसमें तो लीफ का यूज़ करता है, लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है उसमें शॉक अब्जॉर्ब के तौर पर। और सस्पेंशन चेसिस फ्रेम तथा व्हील के मध्य लगाया जाता है, ठीक है, ये तो पता ही आपको। इंजन वाहन में प्रयुक्त वह युक्ति जो वाहन में संयोजित यंत्र वाली
वलियों यंत्र वलियों के लिए आवश्यक शक्ति का उत्पादन उत्पन्न करता है। इंजन वाहन में प्रयुक्त वह युक्ति है जो वाहन में संयोजित मैकेनिकल के लिए आवश्यक यंत्र वलियों के लिए आवश्यक शक्ति का उपयोग कर उत्पन्न करती है। ठीक है, उत्पन्न करती है, संयोजित संयंत्र वलियों के लिए आवश्यक शक्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, जिससे तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, पोस्ट टू पोस्ट होस्ट अत्यधिक वजन वाले होते हैं और ये अधिक स्थान घेरते हैं। ठीक है, इंजन होस्ट एक प्रकार की क्रेन के समान होता है जिससे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा चलाकर भारी वाहनों को उठाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें बेसिक बेसिक था, सब नॉर्मल था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो हमारा है, क्या है हमारा टॉपिक? ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छी तरह से रट देंगे, उसी से क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर। ठीक है, इसमें तो बस यही है कि एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछ गए थे 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का नंबर था 2। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो नुकसान अपना ही होता है उसके अंदर। ठीक है, और वो मान लो कि आप 50 क्वेश्चन है, आपको आगे 30 क्वेश्चन, तो 60 नंबर, तो कट ऑफ ही 60 नंबर गई थी पिछली बार। जनरल की कट ऑफ ही 60 नंबर गई थी, तो इस बार तो थोड़ी कम जाएगी, लेकिन आपको इतना है कि 30 नंबर से ऊपर तो लाने लाने हैं, आपको 35 नंबर लाने। अगर मान लो 85 क्वेश्चन पूछे गए तो वहाँ पर तो मामला ख़राब हो जाए ना। कम से कम इस बार हो सकता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि जीके का क्वेश्चन नहीं था पिछली बार, बेसिक से क्वेश्चन थे एक दो क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।